देसियां ते परदेसियां दा क्या हाल है? ठीक ठाक ने सारे संगी साथी? आज जनाब मनु लभ गए ने मेरे बड़े पुराने दोस्त ते बड़ी रूहानी शख्सियत, शायर, अदीब, सूफी इरफान मोहम्मद सफीर, जेडे कि गुजरात नाल तलक रखते ने। ते आज मैं इन्हां नाल कोई गलबात करना चाहना। गलबात यह है कि सूफी साहब लोग ये समझते हैं कि मस्जिद दे विच संगे मरमर ला छड़िए, एसी ला छड़िए तो मस्जिद आबाद हो जाती है। तो तुसी ये दसना कि मस्जिद कियां आबाद होंदियां ने? लो जी सूफी सफीर साहब। भाई यार सवाल किया बिस्मिल्लाह पढ़ के, तो बड़ा ही प्यारा सवाल किया कि नमाज किस चीज़ का नाम है। नमाज जोड़ा पाक मसीती जान का नाँ नहीं है। ये बिल्कुल ना समझिए गल, अपने जहन च रख लें। नमाज है नहीं हुआ है, नमाज असल विच एक अंदर दी इंसानियत का नाम है, तो दूसरा गरीबो मसाकीन का ख्याल रखने का नाम है। तो जे बंदा मसीती आंदा जाता रहे तो नाल आला भावें जो मर जाए बगैर पानी तो वह नमाज नहीं हुआ है। बिल्कुल गल जहन विच रखी ना कि काबे जाके सजदे करन दा नाम नमाज है। नमाज अंदरू गल मकान दा नाम है, ते अपने अंदर एक कायम करन दा नाम है, एक जंग दा नाम। अल्लाह दी जात ने यह अरशाद फरमाया कि तेरे रोज़े भी जाया जान दे, अज भी जाया जान दियाँ, अज भी जाया जान दे, ते ज़कात भी तेरी जाया जानी है। किस गले गल कीती है कि अंदरू गल जिस वे मकानी आ फिर जाके तेरी गल बननी है। आ ये बिल्कुल आ, मैं तुम दसना नमाज की चीज़ है। ये गल नू अपने अंदर नक्श बना के अपने दिल च दाखिल कर ला कि जद तक तू अपने अंदरू गल नहीं ना मकानी है उस वक्त तक तेरी नमाज कौन होनी है। तो मसीतां च पत्थर ला के ते ये नमाज नहीं हुंदी है। पत्थर तेरी जरूरत है, उदी उनू अज दी तेरी दी लोड़ है। हाँ बिल्कुल गल, उनू आजदी की जरूरत है। रब नू इंसानियत नाल प्यार दा एक खुलासा चाहिदा। ये नहीं कि भाई बंदा मसीती पत्थर ला के आके अंदर ऐसी थले लम्मा पै रहे नमाज नहीं है। नमाज अंदरू पहला वजू करना ही फिर नमाज होनी है, तो फिर तेरा चुना है कि किसी माड़े का भी ख्याल रखना ही, सब कुछ अपने जेहन में रखना ही। तो जड़ी है ना अजान, अजान सब नालों पहला नौजवान दा हक है, क्योंकि उन्होंने पता होना चाहिए मैं किहड़ी पाकी पलीती वल जाना तो किस बला तो बचना है, तो किस चीज़ का ख्याल रखना है। मेहरबानी।